नागौर जिले में मेड़ता शहर के जेतारण चौराहे पर तिकोना विवाद ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन, भाजपा नेता और कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। नगरपालिका के पार्क और चार दीवारी बनाने के निर्माण कार्य के टेंडर को लेकर विरोध शुरू हो गया था। इस विवाद को देखते हुए एसडीएम केआर चौहान ने निर्माण कार्य को बंद करने और यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। बैठक में डिप्टी विक्रम सिंह, तहसीलदार भीम सिंह लखावत, ईओ जितेंद्र सिंह भाटी, पालिका अध्यक्ष रोस्तम प्रिंस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही गांधी दर्शन के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा, सेवा भारती के जिलाध्यक्ष पवन परतानी, विहिप के जिलाध्यक्ष जगदीश दायमा, संघ के जिला कार्यवाहक श्याम सुंदर बिरला, भाजपा के मंडल अध्यक्ष शिवराज चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। पे गैर मुमकिन शमशान की भूमि जिस पे नगर पालिका द्वारा शुरू में चार्जिंग पार्क गेहूं और रोड का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें शहर वालों का ये ऑब्जेक्शन था इसी की किस्म है गैर मुमकिन शमशान और यहाँ पे जो सार्वजनिक पार्क निर्माण किया जा रहा है नियमों के विरुद्ध है, जिस पर ग्राम शहरवासियों ने शिकायत की, जिस पर तत्काल वहाँ पर काम रोका गया और आज यूपीएसपी मेहता, सीए मेहता, नगरपालिका चेयरमैन जो नगरपालिका शहरवासियों के बीच में मीटिंग करके ये प्रस्ताव लिया गया है कि अग्रिम आदेश तक इस गैर मुमकिन शमशान किस्त में किसी प्रकार से नगरपालिका मेहता द्वारा निर्माण नहीं किया जाए।